नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। रीवा दर्शन की इस खास पेशकश चुनावी बुलेटिन में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव में नारों का विशेष महत्व होता है। इलेक्शन आते ही तरह तरह के नारे देखने को और सुनने को मिलते हैं, लेकिन इस बार गुढ़ विधानसभा में एक खास पोस्टर वार चल रहा है और ये पोस्टर है बाहरी प्रत्याशियों के लिए। ऐरा प्रथा चालू है और कृपया प्रत्याशी यहां पर वोट मांगने ना आए, ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है गुढ़ विधानसभा क्षेत्र में। यहां की जनता ने पूरे गुढ़ विधानसभा क्षेत्र में ऐसे ही पोस्टर लगा के रखे हैं जो बाहरी प्रत्याशियों के लिए चेतावनी है। ये चेतावनी इसलिए क्योंकि अब तक गुढ़ विधानसभा में जो भी प्रत्याशी चुने गए वो लगभग बाहरी रहे। 3 प्रत्याशियों को छोड़ दिया जाए तो यहां से बाकी के प्रत्याशी जो कि विधानसभा में पहुंचे वो सभी बाहरी थे। इसकी वजह बाहर के क्षेत्रों से आकर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, विधानसभा पहुंचते हैं, लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता। विकास से कोसों दूर गुढ़ विधानसभा के लोगों ने इस बार चेतावनी देते हुए बाहरी प्रत्याशियों को यह बताने की कोशिश की कि अगर बाहरी प्रत्याशी हो तो गांव में मत घुसना, क्योंकि तुम्हें इस गांव से वोट मिलने वाले नहीं है। इस क्षेत्र की जनता अपने क्षेत्रीय नेता को ही चुनेगी और उसे ही वोट देगी। ऐसे में समाजवादी की साइकिल में सवार कुंवर कपिल ध्वज सिंह क्षेत्र में भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो प्रत्याशी हैं इस क्षेत्र में जीत कर गए और फिर चुनाव मैदान में है वो लगभग बाहर के क्षेत्रों के हैं। अगर हम बात करें सुंदरलाल तिवारी की तो सुंदरलाल तिवारी मनगवा विधानसभा के त्यूनी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और वो गुढ़ क्षेत्र की जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। पिछले विधानसभा में वो निर्वाचित हुए, लेकिन निर्वाचित होने के बाद 5 सालों तक वो जनता से दूर रहे। इसी वजह से जनता ने इस बार मन बना लिया है कि बाहरी प्रत्याशी को गुढ़ विधानसभा क्षेत्र में जगह नहीं दी जाएगी। अगर बात करें नागेंद्र सिंह की तो नागेंद्र सिंह भी गुढ़ विधानसभा से 2 बार निर्वाचित हुए, लेकिन नागेंद्र सिंह का भी ये इलाका नहीं रहा। नागेंद्र सिंह मऊगंज और देवतलाव विधानसभा से ताल्लुक रखते थे, इसके अलावा वो रीवा में रहने वाले हैं। बावजूद इसके गुढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते और जीतते रहे, लिहाजा क्षेत्र की जनता इस बार मन बना चुकी है कि आगामी चुनाव में वो अपना प्रत्याशी, अपना एमएलए ऐसे ही उम्मीदवार को चुनेगी जो इस क्षेत्र का है, जो इस क्षेत्र की जनता के लिए दिन रात मेहनत करता है और उससे वो आसानी से मिल सकते हैं, तभी इस क्षेत्र का विकास होगा। क्योंकि अब तक की बात की जाए तो यह क्षेत्र विकास से कोसों दूर है, ना तो यहाँ मूलभूत सुविधाएं हैं और न ही रोजगार के साधन, जबकि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट गुढ़ क्षेत्र में ही लगा हुआ है। बावजूद इसके यहाँ के लोगों को ना तो रोजगार मिल रहा है और ना ही मूलभूत सुविधाएं। ऐसे में यहाँ के क्षेत्र के लोग परेशान हैं, उन्हें इस बात की दरकार है कि कोई ऐसा प्रत्याशी हो जो उनके दुख दर्द को समझ सके, उनके सुख दुख में शामिल हो और उनकी आवाज को बुलंद करे, ताकि वो सत्ता के गलियारों में उनकी आवाज पहुंच सके। रीवा में अगर हम बात करें ऐसे प्रत्याशियों की भरमार रही है और दूसरे क्षेत्रों में जाकर वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और पुनः लौटकर उस क्षेत्र की जनता का दुख दर्द सुनने नहीं जाते। ऐसे में इस बार गुढ़ क्षेत्र की जनता ने पूरा मन बना लिया कि एक बाहरी प्रत्याशी को वो जगह नहीं देंगे, लिहाजा उन्होंने अपने गाँव में घरों में पोस्टर लगा के रखे हैं, ऐरा प्रथा बंद है, कृपया बाहरी प्रत्याशी वोट मांगने ना आए। देखिए, ऐरा प्रथा जैसा कि आप जानते हैं समूचा बघेल खंड हर गांव ऐरा गोरुआ, जिसको ऐरा मवेशी जानवर बघेली में हम पंचे ऐरा गोरुआ कही थे, तो ऐरा गोरुआ के मतलब यह है कि
अच्छी तैयार फसल हो और जो मवेशी खुलेआम घूमते रहते हैं निरंकुश वो अगर तैयार फसल में पड़ जाते हैं तो सलगी फसल चौपट कर देते हैं। यह मेयर गुड़ विधानसभा क्षेत्र पिछले कई पंचवर्षीय से एरा नेताओं से पीड़ित है, जो बाहर के विधानसभा के मतदाता हैं, यहाँ आके चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीते के बाद 5 साल ठीक वह मेयर जैसे एरा मवेशी जनता के फसल चरत हैं, वह मेयर जनता के अधिकार, जनता के धनराशि के भ्रष्टाचार दुरुपयोग करके 5 साल तक ऐसा एरा नेता गुड़ विधानसभा क्षेत्र के दुर्दशा करत है और यह लगातार कई पंचवर्षीय से चल रहा है। गुड़ विधानसभा क्षेत्र में मात्र 3 क्षेत्रीय विधायक मिले हैं, जो माननीय स्वर्गीय ब्रजराज सिंह जी तिवारी, स्वर्गीय श्री शिवनाथ जी पटेल और कुछ समय के लिए बुद्धसेन जी। और जनता ये बात के साक्षी है कि जब जब क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व मिला है जनता का, क्षेत्र में न्याय भा है, क्षेत्र में विकास भा है। और जनता यह बात के साक्षी है कि जब जब बाहर के प्रत्याशियों का यहाँ चुनाव जीते के मौका मिला है, सिवाय अधिकारण के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और जनता के शोषण के अतिरिक्त कुछ नहीं भा है। गुड़ विधानसभा क्षेत्र आजो जितना जो स्थिति 15-20 साल पहले गुड़ विधानसभा क्षेत्र की रही, लगभग वह स्थिति आजो है। लोग भाजपा के सरकार बगवार के सोलर प्लांट के अपन उपलब्धि गिनावत थी, निसंदेह एक उपलब्धि है कि सोलर प्लांट यहाँ स्थापित भा जो एशिया के सबसे बड़ा है, लेकिन स्थापना के समय ये सरकार के वचन रहा है जनता से कि यहाँ स्थानीय नौजवानों का रोजगार के प्राथमिकता रही। धरातल पर वास्तविकता यह है कि आज क्षेत्रीय नौजवान वहाँ रोजगार पावे से पूरी तरह वंचित है, बाहर के लोग पूरे वहाँ रोजगार में हैं। दूसरा, कचरा प्लांट यहाँ स्थापित कीनगा जो जनता के मंशा, जनता के भावना पहाड़िया में जनता के भावना के विपरीत है, जनता उखर विरोध की हिस। 15 साल भाजपा सरकार का होएगा, सरकार कहो न कहो तानाशाही कई अग्रसर है जो जनता के भावना, जनता के इच्छा के सम्मान नहीं कर पा रही है। ऐसा कचरा प्लांट ऐसा जगह स्थापित हो चाहिए जहाँ आबादी न हो, आबादी से दूरी हो चाहिए, ताकि जनता ओखे दुष्परिणामन से बच सके। लेकिन चूंकि 15 साल सरकार का होएगा, सरकार अहंकार में आई गई मदमा है और तानाशाही रवैया की तरफ अग्रसर है। गुड़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अपन सम्मान के लड़ाई बहुत दिन से लड़ रहे हैं। यह बेर सबसे बड़ा मुद्दा बाहरी प्रत्याशियों का विरोध है। गुड़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाता यह बेर अपने घर के प्रत्याशी के बीच में चयन करना चाहते हैं, बाहर के प्रत्याशियों से जनता अघाई चुकी। आपकी किस पार्टी की आप सरकार बनवा रहे हैं? हम साकिल में भैया जीते हैं, राजा हमारे राज का राजा है, रीवा राज का राजा है, वो जीते हैं, साकिल है, वो एक नंबर में जीते हैं, चाहे दुनिया लग जाए भगवान भगताड़े, एक नंबर में। आप जाइए, आप लोग यहाँ पर किसको? साइकिल वाले वोट दे रहे हैं। यूं तो विंध्य क्षेत्र समाजवादी विचारधारा का गढ़ रहा है, यहाँ पर कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाया है, लेकिन अब तक समाजवादी पार्टी की यहाँ पर फतह हासिल नहीं हो सकी है। कोई भी विधायक रीवा विधानसभा या रीवा जिले की 8 विधानसभा से जीत कर नहीं जा पाया, लेकिन इस बार जिस तरह से रुझान गुड़ विधानसभा में देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों को आप देखने के लिए रीवा दर्शन देखते रहिए। बस आज इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।